की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में एक बार फिर हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेरेगढ़ा में लगभग 18 हाथियों का झुंड पहुंचकर मनुगंजू सेरेगढ़ा के जतुरा टांड पहुंचकर साहेबगंजू के घर को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे 10 बोरे चावल को खा गए, जिससे 2 लाख का नुकसान हुआ है। धर्मजीत उनाव का आम का 50 पौधे नष्ट कर दिए, 3 क्विंटल आम को बर्बाद किया और घर में रखा हुआ अनाज को पूरी तरह से खा गए। वहीं पास लगे कटहल के पेड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस घटना के बाद ग्रामीण काफी भयभीत हैं कि हाथी के दोबारा आने से वो खेती अब कैसे कर पाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण भी कैसे करेंगे, जिससे उनके रहने का कोई आसरा नहीं बचा। वहीं अब इस बरसात में वो कैसे रह पाएंगे, ये सोच में डूब गया है। ज्ञात हो कि लगभग 2 सालों से इस प्रखंड क्षेत्र में लगातार हाथियों का आतंक छाया हुआ है और अब तक कई एकड़ में लगी फसल को चट कर गए और कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। और इस तरह की लगातार हुई घटना से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। वहीं ग्रामीण वन विभाग से हाथी को भगाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही उचित मुआवजे की मांग भी की है। जंगली हाथी द्वारा क्या आप लोग का परेशानी हो रहा है? क्या परेशानी हो रहा है, तो सब घर ढह रहा है। जो गुरखी गाय भैंस जो चराता है उसको परेशानी है, रात को सूतने में भी परेशानी है। इसलिए कि जो सरकार जो हाथी रखा है तो अपना कैप्चर में ले जाए और आता है तो यहाँ मौजा देता है, तो 4 लाख मौजा देने से क्या होगा, 4 लाख क्या करोड़ों को शरीर होता है होता देता है। तो इसलिए कि अपना हाथी अपना कैप्चर में रखे, और नहीं तो नहीं रखने पर जनता पूरा पंचायत का जनता रेंज ऑफिस को घेरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं रास्ता निकालता है तो। क्या इतना ही बोल के हम क्या नाम हुआ? नाम दीपू राम हुआ। घर सवासार थाना बालूमाथ। हाथी आया आपका घर के बगल में, क्या क्या क्षति पहुंचाई आपका? 18-19 आया था हाथी, उसके बाद सब घेर लिया, घेरने के बाद इस तरह हम लोग निकले, उसके बाद सब 10 बोरा चावल था, सब खेती कर लिया, आलू भी 1 क्विंटल खत्म हुआ। और क्या किया आपका घर पर? घर को क्या किया? घर पूरा बर्बाद कर दिया है, चारों घर बर्बाद कर दिया। क्या नाम हुआ? है बनी। घर कहाँ? घर यात्रा टाड़।